सभी को नमस्ते। नमस्ते। ओके, मैं आपकी प्यारी होस्ट मिस सुशीला आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और खास तौर पे हमारे मुख्य अतिथि को। जैसे कि हम सबको पता है कि आज हम सब राष्ट्रीयता का जश्न मनाने वाले हैं, उस बोली का जश्न मनाने वाले हैं जो हम पहली बार जहाँ से मुस्कुराने सीखे, जिसे हम प्यार से भारतीय कहते हैं और गर्व से हिंदी। आज का कार्यक्रम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ करते हैं, और आशा है कि आप सब इस कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। सो कार्यक्रम को शुरू करते हैं, सबसे पहले बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर। मैं मिस नुबोय को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, आइए। स्तोत्र 37:5-6। यहोवा के भरोसा रहे, उसका विश्वास कर, वो वैसा करेगा जैसे करना चाहिए। दोपहर के सूर्य सा यहोवा तेरी नेति और करेपन को चमकाए। हाँ, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते। सभी लोग को अपने आँखें को बंद करो। हे हमारे परमेश्वर, आज हम सब आए हैं आपके सामने इस हिंदी दिवस के दिन। हमारे कार्यक्रम शुरू से अंत तक हमारे साथ रहे और हमारे सहायता कीजिए। हम ईश्वर के नाम पर मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद मिस बॉय। ठीक है, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाती हूँ वालल राधिकी थोमते। हाँ, वो हमें हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण बताएंगे। ध्यान लगा के सुनना। मनिया प्रधानाचार्य जी, मेरी अध्यापकन और मेरी प्रिया मित्रों, नमस्ते। हर साल 14 सितंबर के दिन पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अतः हम भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के महत्व के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। हिंदी भाषा दुनिया भर में हमें सामन दिलाती है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरे भाषा है। अगर हम हिंदी सीखेंगे और पढ़ेंगे तो देश के अलग अलग राज्यों के लोगों से भी हिंदी में आसानी से हम संपर्क कर पाएंगे। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी पढ़ने लिखने से हिंदी समाचार पत्र और हिंदी साहित्य भी हम प्रखर समझ सीखेंगे। हिंदी सिनेमा का आनंद भी मजे से ले पाएंगे। हम सब भारतीया है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाली भाषा है, इसीलिए हम सबका हिंदी सीख लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद राधिकी। सो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं LKG के छात्रों को बुलाऊंगी, वो हमें कुछ स्पेशल आइटम दिखाएंगे। आ जाओ LKG के बच्चों। धन्यवाद राधिकी। सो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं LKG के छात्रों को बुलाऊंगी, वो हमें कुछ स्पेशल आइटम दिखाएंगे। आ जाओ LKG के बच्चों। धन्यवाद राधिकी। सो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं LKG के छात्रों को बुलाऊंगी, वो हमें कुछ स्पेशल आइटम दिखाएंगे। आ जाओ LKG के बच्चों।
जी के बच्चों, अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी वालल ओमपिया थोमते को कविता वचन के लिए। वालल ओमपिया थोमते, आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम वालल ओमपिया थोमते है। मैं कक्षा 3 से हूँ और आज मैं कविता वचन सुनाने वाला हूँ। चन चन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद अंपुय। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए यूकेजी देर जी, ओके ठीक है। सो हमारे लिए गाना गाने वाली है हमारी प्यारी प्रिशिला फ्रॉम क्लास 3। आइए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसत्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसत्ता हमारा। हम बुलबुल खेल सके ये गुस्सा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अभी हम बुलाना चाहेंगे यूकेजी के छात्रों, प्यारे प्यारे बच्चों को, जो हमें एक स्पेशल आइटम दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा। राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुख्य अतिथि को एलकेजी और यूकेजी के छात्रों पर कंपटीशन हुआ था और फर्स्ट प्राइज मिलता है यूकेजी को। सो ओके, यूकेजी से एक इवान आ जाओ। ओके सो क्लास कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हमारा कंपटीशन हुआ था और फर्स्ट प्राइज मिलता है क्लास कक्षा 3। आ जाओ रिनफेल, आ जाओ। धन्यवाद। ओके और सेकंड प्राइज जाता है कक्षा 2 को। धन्यवाद। गुड। सो थर्ड प्राइज मिलता है कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों को। रुआदिक आ जाओ। ओके अभी क्विज कंपटीशन के लिए पहला प्राइज मिलता है
मैसिया और वाला रुआ दिखी थोमते आ जाओ मैसिया और वाला रुआ दिखी थोमते कक्षा पाँच से ताली बजाओ ताली और हमारा सेकंड प्राइज जाता है कक्षा दो के बच्चों नेथन और सुपुई को विस नेथन नेथन नहीं आया आया आ जाओ नेथन और सुपुई नहीं आई हाँ सो थर्ड प्राइज मिलता है हमारे कक्षा एक के बच्चों को क्लास वन आ जाओ गिनुंगी एंड थियो आ जाओ से धन्यवाद धन्यवाद अभी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए हमारा पहला प्राइज मिलता है किसका है लरिंदुंगी फ्रॉम कक्षा एक से आ जाओ माइन ओके और हमारी सेकेंड प्राइज मिलता है फिर कक्षा एक से कैथरीन को कैथरीन आ जाओ कैथरीन ये अच्छी लग रही है और थर्ड प्राइज भी वही कक्षा से मिलता है थियो को थियो आ जाओ गुड बॉय ओके ओके अभी स्लोगन कंपटीशन के लिए हमारे पहले फर्स्ट प्राइज जाता है वालर रुआ दिखी थोपते और सेकेंड प्राइज जाता है कक्षा पाँच से मेसिया को मेसिया आ जाओ और हमारा तीसरा प्राइज जाता है कक्षा तीन से डियाना को आ जाओ डियाना अभी हम लोग कहेंगे कविता वचन ओके रेसिटेशन कंपटीशन पे ओके एलकेजी एंड यूकेजी से कंपटीशन है और उनके विनर है यूकेजी की सैंडी सैंडी आ जाओ और हमारा दूसरा प्राइज मिलता है कक्षा एलकेजी के एरन को आ जाओ ओके अभी कक्षा एक से कक्षा पांच तक का कंपटीशन एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू किसको मिलेगा वायरल पुया थोपते आ जाओ फर्स्ट प्राइज और हमारा सेकेंड प्राइज जाता है कक्षा दो से सलमान को सलमान आ जाओ हमारे थर्ड प्राइज मिलता है कक्षा चार से तेरेसा को वो यहाँ नहीं है सो वो कल लेगी हाँ मिस नुबोई आप आके ले लीजिए उनका वालर सुपुई राल थे वो यहाँ नहीं है सो उनकी क्लास टीचर मिस थे ओके लरिंदुंगी आ जाओ गुड 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 ओके गुड थियो आ जाओ थियो ओके यस थैंक यू ओके
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यूकेजी की सेंटी को बुलाऊंगी जो हमें कविता वचन सुनाएगी। सेंटी आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम सैंडी है। मैं कक्षा यूकेजी से हूँ और मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता भजन सुनाने वाली हूँ। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को चोरी रखा है वो मजबूर धागा है हिंदी। धन्यवाद। ओके, अभी हम स्टेज पे बुलाएंगे यूकेजी के छात्र से अर्पित गुप्ता को। अर्पित, अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम अर्पित है। मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। मीठी नींद सुबह सवेरे आती है, मीठी मीठी नींद हमको खुशबू आती है। मीठी मीठी नींद दिन भर क्या क्या खेले खेल, क्या क्या उधम मचाए। मीठी मीठी नींद हमें सपनों में दिखलाए। उठो ना हो स्कूल को देर, अम्मा है चिल्लाती, टर्की उनकी चीख से अपनी निंदा है भाग जाती। धन्यवाद। ओके, अभी हम स्टेज पे बुलाएंगे हमारे मुख्य अतिथि को, हमें वो कुछ मीठी मीठी बातें सुनाएंगी, ठीक है? ओके। आदरणीय प्रधान आचार्य, शिक्षकगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। बच्चों यहाँ देखिए, आप सबको नमस्ते। बहुत अच्छा, यहाँ मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ आकर के देखा कि आप सब भारत के विभिन्न पोशाकें पहन कर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप सब। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके विद्यालय ने, आप सब ने मिलकर के यहाँ पे एक छोटा सा भारत का निर्माण ही कर दिया है। यहाँ आप सबको देख करके मुझे एक ऐसा महसूस आया है, मुझे महसूस हो रहा है कि अनेकता में एकता का प्रचार प्रसार तो यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और साथ ही साथ आज राष्ट्र के इस खास दिन में, हिंदी दिवस में, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य मिला। हिंदी दिवस आप सबके साथ यहाँ मनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी आज के दिन यहाँ साड़ी पहन करके आना चाहती थी आपकी मिस की तरह, लेकिन मैंने, मेरे मन में एक विचार आया और मैं पुआंचे, ये मिजो जनजाति के पोशाकों में से एक बहुत ही खास पोशाक जो है पहन कर आ गई, ये जताने के लिए कि मिजोरम जो है भारत का एक हिस्सा है और हम मिजो जनजाति जो हैं हम भी भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते क्या है, हिंदी जो है हमारी भी भाषा है। और मैं यहाँ देख रही हूँ आप सबको, साड़ी है, मेखला है, कुर्ता पजामा है, यहाँ पेरेंट्स भी आए हैं क्या, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, धोती पहने हैं, टोपी है, अचकन है, घाघरा है, लहंगा है। पता है आपने तो यहाँ पे
बहुत ही सुंदर तरीके से एक छोटे से भारत का निर्माण वाकई में कर दिया है। शाबाश बेटा, मैं यही कहना चाहूँगी, शाबाश बच्चों, और मैं शिक्षक गण को भी बधाई देती हूँ, ये आप सबकी वजह से है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मिजोरम में बहुत कम ऐसे विद्यालय होंगे जो हिंदी दिवस के बारे में जानते हों। हिंदी दिवस की जानकारी शायद उन्हें नहीं है, लेकिन इस बीच मिजोरम के आपके स्कूल ने, एसएमएस ने, श्याम लियानम मेमोरियल स्कूल ने हिंदी दिवस मनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब के प्रयास को देख करके और भी अच्छा लग रहा है, क्यों पता है बच्चों? क्योंकि आप सब ने आकर के मंच पे गाना गाया, आपने आकर के क्या है कविता पाठ किए, बहुत ही खूब, और यहाँ तक कि आपने भाषण भी दिए, और अपने भाषण में प्यारी सी ललरुआ दिकी थोमते ने ये कहा था ना कि भारत की पहचान हिंदी है, बहुत सुंदर कहा। हाँ, हिंदी भारत की पहचान है, हम सब जो है हिंदी भाषी हो या अहिंदी भाषी हो, हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम सब की भाषा हिंदी है। 14 सितंबर के दिन हर साल पूरे भारत में क्या है हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो भी व्यवहार राजेंद्र सिन्हा की जयंती पर, उनकी याद में मनाया जाता है। आजादी के बाद सन 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहला हिंदी दिवस जो है 1953 को मनाया गया था, वो भी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रस्ताव में। और दोस्त बच्चों, में ये भी आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता हमें पैदा करना है, और हिंदी का प्रचार प्रसार जो है भारत के कोने कोने तक हो, इस उद्देश्य को लेकर के हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 1953 से लेकर के आज तक क्या है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक और बात ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके विद्यालय पर अत्यंत गर्व है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और बहुत ही महान कार्यक्रम का जो आयोजन आपने किया, मैं सभी शिक्षक गण को भी और साथ ही साथ प्रधान आचार्य को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। श्याम लियानम मेमोरियल स्कूल, आपने बहुत अच्छा किया है, और हिंदी दिवस का जो उद्देश्य है आपने तो उसे यहाँ पे इस तरह कार्यक्रम का आयोजन करके, अनेक प्रकार के पोशाकें पहन करके, आपस में हिंदी में आज के दिन खास तौर से अन्य और भाषाओं का प्रयोग ना करके हिंदी का प्रयोग करके उद्देश्य ही पूर्ण कर दिया है। वाकई में ये जो है सराहने योग्य है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज यहाँ पे
मैंने आप सबके साथ हिंदी दिवस मनाया है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैं शुरू से देख रही थी आपके बैनर यहाँ पे जो है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निज भाषा कविता के दोहे यहाँ पे सबसे पहले जो दो पंक्तियाँ हैं, यानी कि सबसे पहला वाला जो दोहा है उसे मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ना चाहूँगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। बहुत ही सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित दोहा है। और वे कहते हैं कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा ही क्या है, उन्नति का सब मूल है। भारत जो है बहुभाषी देश है, अनेक जाति के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक पोशाकें पहनने वाले लोग हैं यहाँ, लेकिन सब जो है भारतवासी हैं। और हम सबको एक ला सकता है तो हिंदी भाषा ये काम कर सकती है। हिंदी सीखना भारतीय होने के लिए, भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है, ये मैं जताना चाहती हूँ। और क्या है बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छा किया, प्रतियोगिताओं में भी आप सब ने भाग लिया, आप सब ने पुरस्कार भी हासिल किया, आप सबको मैं बधाई देती हूँ। आगे खूब तरक्की कीजिए, आगे जो कुछ भी बनना है आप बनिए, मगर हिंदी सीखना या हिंदी को, हिंदी भाषा को कभी ना भूलिएगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप सब इसी तरह से प्रयास करते रहिएगा, बहुत खूबसूरत प्रयास है आज जो हमने यहाँ देखा है, और आगे भी ऐसा आप करते रहिएगा। SMS जो है आगे तरक्की करते रहे, ईश्वर के आशीष आप प्राप्त करते रहें। और इन बच्चों पर भी मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद हमारी मुख्य अतिथि मिस ललमवानपोई खोल सिंह को, जो अभी मिजोरम इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्प्रेंसिव एजुकेशन में हिंदी लेक्चरर है। हमारे तरफ से हम आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहेंगे कि हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच आई। सो मैम आप आ जाइए स्टेज पे। धन्यवाद। धन्यवाद। Can you hear? Tali? Oh, good. हमारे बीच बुलाना चाहेंगे हमारे विद्यालय के कुछ छात्रों को, जो हमें बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, कुछ स्पेशल प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। हम नोबल दूसकी LKG से बुलाएंगे। लल दूसकी हमारे मशहूर झांसी की रानी बन के आई है, जिसने अपनी जान देकर हमें अंग्रेजियों से छुटकारा दिया है। हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अभी जोसेफ लशियत पुया LKG, हमारे APJ अब्दुल कलम, हमारे अपने APJ अब्दुल कलम, और ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 से 2007 तक। आगे बढ़ते हुए UKG से इवाना ज़ोमिंग लियानी, ये हमारे ममता बनर्जी है जो अभी के मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, और ये पहली औरत है जो जिसने ये ऑफिस थामा है। अभी अर्पित गुप्ता UKG से जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहला प्रधानमंत्री है।
क्लास वन से हमारे बीच है डैनियल रलछवानोमा, ये भगत सिंह है, इसे शाहिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट कैथरीन लरिन पुई, ये हमारी प्रतिभा पटेल है, ये हमारी पहली महिला प्रेसिडेंट है। लीसा वानल मछवानी इंदिरा गांधी हमारी पहला महिला प्रधानमंत्री है। नेथन दिन क्लास टू, इसे कौन जानता है, कौन है ये, एनी गेसेस? यस राइट, महात्मा गांधी से हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रिसिला लोसाम किमी क्लास थ्री, सोनिया गांधी हमारे मशहूर कांग्रेस पार्टी की लीडर है। वाना लोम्पु या थोमते, एनी गेसेस कौन है ये? यस नरेंद्र मोदी, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है। क्लास फोर से लड़ा, कैन यू गेस कौन है ये? यस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसे हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। क्लास फाइव वो विग मा सोम की में, सरोजिनी नायडू बन के आई है, ये हमारी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बहुत ही मशहूर फेमिनिस्ट और इंडियन पोएट भी है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वी हैव वालाशाह प्रिय जूनियर, एवरीवन शुड नो दिस, हु इज दिस, हु इज दिस, कैन यू गेस? यस वी हैव सुभाष चंद्र बोस। ओके बच्चों, अभी हमारे बीच में हम बुलाएंगे कक्षा तीन के छात्रों को, क्लास थ्री आ जाओ। Oh, okay.
शुरू करेंगे। सो हम अर्पित यूकेजी से स्टेज पे आइए। अर्पित ओके जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया ना सिक्के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबके है मेरा बड़ा टैंड। धन्यवाद अर्पित, बहुत अच्छा था। अभी हम स्वागत करेंगे स्टेज पर कक्षा 4 और 5 के बच्चों को, इसलिए खूबसूरत नाच प्रस्तुत करेंगे। इसलिए बिल्कुल हल्ला नहीं, चुपचाप बैठ के देखना है, ठीक है? ठीक है। गुड। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आज कल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जमाने पर, अच्छा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओके, अभी स्टेज पे हम सब टीचर्स एक साथ आ जाइए। यस Thank you.
Okay, 3, 2, 1. Jump, 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 jump. Control, hot dog ko karke girl, seete baja ke bol. Life ho out of control, hot dog ko karke girl, hot dog ko karke girl. Thank you.
नमस्ते, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन होगी शांति चारा और, होगी शांति चारा और, होगी शांति चारा और। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारा और। एक दिन मेरा नाम अमन है, मैं चाहता हूँ एक ऐसे में बताऊँ सुनाने वाला हूँ। मैं कविता पत्र सुनाने वाला हूँ। चंद चंद के पास हिंदी, पर्वत के आशा है हिंदी, जिससे बोले तिसको चलते रखा है, हूँ बस वो ताका है हिंदी। नमस्ते, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। एक दिन धन्यवाद। गुना गेर तेरे हाथ कभी ना आने, माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे हाथ की है दीवाने। Hey you, I know you want it but you're never gonna get it। तेरे हाथ कभी ना आने, माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे।